तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज मैंने एक मेकअप लुक शूट किया है और मैंने ये हेयर स्टाइल्स शूट किए हैं। तो सभी लिंक्स जो है वो आई बटन पे डाल दूंगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेकअप लुक ट्राई ऑन हॉल और साइड बाय साइड ये हेयर स्टाइल शूट करने के बाद मेरे रूम्स की क्या हालत होती है। वैसे तो मैं एक ही रूम में शूट करती हूँ, लेकिन आज दो रूम में शूट करना पड़ा क्योंकि एक रूम में मैंने मेकअप ट्यूटोरियल शूट किया था, वहां पे लाइटिंग की प्रॉब्लम थी। मैं नॉर्मली इसी रूम में शूट करती हूँ, लेकिन यहाँ पर आज मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो जब वो उठ गए उसके बाद मैं यहाँ दोबारा आकर मैंने बाकी वीडियो पार्ट शूट किए हैं। तो आपको हालत दिखाती हूँ क्या रहता है और किस तरीके से मैं उसे क्लीन करती हूँ और किस तरीके से मैं क्या क्या करती हूँ वो आपको दिखाऊंगी कि कितना टाइम लगता है अराउंड मुझे वीडियो शूट करने में। मैं 3 बजे बैठी थी दोपहर में और इस टाइम 7 बज रहे हैं। आप लगा सकते हैं कितने घंटे लगे मुझे काम करने में, क्योंकि एक मेकअप ट्यूटोरियल शूट करने में ही 1 घंटा लगता है। जो आप मेकअप ट्यूटोरियल सिर्फ 7 मिनट का देखते हैं, कम से कम उसमें 1 घंटा जाता है। और उसके बाद चेंज कपड़े चेंज करो, उसके बाद कोई और वीडियो शूट करो, तो बहुत टाइम जाता है। और हम लोग जो है मेकअप ट्यूटोरियल के बाद सोचते हैं जब इतनी मेहनत की है तो 1-2 वीडियोज और शूट कर लेते हैं, तो इसलिए हम साइड बाय साइड 2-3 वीडियोज प्लान करके ही चलते हैं। तो अभी मैं आपको हालत दिखा देती हूँ। और ये रूम बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, आप देख सकते हैं। बस एक मेरा प्लानर पड़ा हुआ है, नॉवल तो चलो वहीं रहती है और बाकी कॉम वगैरह रहती है। तो बस इसको क्लीन करने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। सबसे पहले मैं इसी को ही क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी ये रूम तो हो चुका है क्लीन, तो अभी दूसरे रूम में चलते हैं। अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने नीचे लेगिंग्स पहनी हुई हैं। तो जब हम मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह शूट करते हैं और जब ओवरऑल लुक नहीं होता है तो हम इस तरीके से कंफर्ट वीडियोस में कंफर्टेबल होने के लिए लेगिंग्स या पजामास पहन लेते हैं और अपर बॉडी दिखती है। जिन वीडियोज में सिर्फ अपर बॉडी दिखती है तो उनमें हम कंफर्टेबल होकर ही बैठते हैं। तो ये हम सब लोगों का, सभी ब्लॉगर्स का सीक्रेट है। तो आप लोगों को अब मैंने अपना सीक्रेट बता दिया। अभी फिलहाल मैं मेकअप रिमूव करूंगी और चेंज करूंगी और साइड बाय साइड आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ। तो ये हालत है दूसरे रूम की। सारे मेकअप प्रोडक्ट्स और सारी आइटम्स पड़ी हैं। यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी रखती हूँ। तो चेंज करने से पहले मैं अपना जूड़ा खोलूंगी। जो एक्सेसरीज मैंने लगाई हैं, जो पिंस लगाई हैं, उसके लिए मैंने अलग से पॉलिथीन रखा हुआ है। सभी हेयर एक्सेसरीज इसमें रहती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब धीरे धीरे मैं हेयर एक्सेसरीज को रखने वाली हूँ। तो खोलने बनाने में जितना टाइम जाता है ना, उससे कहीं ज़्यादा टाइम मैं जूड़ा खोलने में जाता है, बहुत हेडेक लगती है। उसके बाद ये खोल कर, जूड़ा खोल कर मैं चेंज करूँगी और उसके बाद मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी। मैं अपना मेकअप किस तरीके से रिमूव करती हूँ वो फुल वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल अनुग्रह लवली यू पर मिल जाएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो अभी जूड़ा खुल चुका है, अभी मैं मेकअप रिमूव कर लेती हूँ और उसके बाद हम करेंगे क्लीनिंग। अब कमरा इतना गंदा हो रहा है, उसको भी तो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सबसे बड़ा हेडेक होता है। कम से कम 1 घंटा लगता है। मैं 7 से 8 बजे तक, मतलब 7 बजे मेरा पूरा शूट ख़त्म हुआ था और उसके बाद 1 घंटा मुझे सिर्फ क्लीनिंग और अपने आप को बांधने में, खोलने में, चेंज करने में इसलिए चला जाता है। तो उसके बाद अभी मुझे डिनर भी तैयार करना है। तो अभी मैं करने वाली हूँ मेकअप को अच्छे से रिमूव। यहाँ मैं मिसलर वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी स्किन केयर इसमें नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए आप अनुग्रह लवली यू या फिर प्रिया मेकअप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या हालत होती है हम ब्लॉगर्स की। और आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हालत और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो बियर्ड्स का काम होता था वो भी हमें खुद करना पड़ रहा है। तो पहले घर की क्लीनिंग करो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, तीनों टाइम खाना बनाओ, उसके बाद स्नैक्स बनाओ, चाय बनाओ, बहुत काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना और उसके बाद बाकी और अदर काम, मतलब जैसे कि बर्तनों को आप अरेंज करोगे और उसके बाद जो सामान लेके आए हो उसको सैनिटाइज करोगे, वेजिटेबल्स को सैनिटाइज करोगे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। आप लोगों की कैसी हालत है वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी तो फिलहाल मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मुझे और थोड़ा सा काम जो है वो कम हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज काम अगर बच्चों वाले जो, मतलब जो जिनके घर में बच्चे हैं वो पता नहीं कैसे हैंडल करते हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं
जो मतलब बोलती है कि बच्चों के साथ और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, मतलब हम सारा दिन फ्री नहीं हो पाते हैं। तो अभी हम लोगों ने अच्छा से प्लान नहीं किया था, तो अभी मैं इस चीज़ों से फ्री हूँ। और अभी इस ईयर हम प्लान करने का सोच रहे थे, तो ऑब्वियसली कोरोना आ गया। अब कोरोना के चक्कर में तो मैं बिल्कुल प्लान नहीं करने वाली हूँ जब तक ये बहुत हद तक ठीक नहीं होता। तो अभी जस्ट क्लीनिंग करने के बाद मैं शावर लेने जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ गर्मी हो गई है, मुझे घबराहट होती है। और इस बार हमने एसी लेना था और एसी भी नहीं हम ले पाए क्योंकि लॉकडाउन हो गया। और यहाँ पर जो है ना गर्मी वो मार्च में स्टार्ट हो जाती है और मार्च से ही लॉकडाउन चालू है। तो इस बार हमने एसी लेना था वो भी रह गया। तो देखते हैं, क्योंकि मई में तो बरसातें शुरू हो जाएंगी, एक महीने के लिए एसी चाहिए था। अभी कूलर से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी शार लेकर आऊँगी और उसके बाद रिलैक्स हो जाऊँगी और उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। तो अभी सारा सामान मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो तीन किट्स है जिसमें मैं एक में मेकअप और लिपस्टिक रखती हूँ, मतलब लिपस्टिक और पेंसिल्स, आईलाइनर और काजल वगैरह रखती हूँ। और एक में बाकी अदर सामान रखती हूँ। और एक मेरे पास यहाँ पर बॉक्स है जिसके अंदर मेरे आई शेडो पैलेट्स एंड ऑल रहती है। बाकी ड्रेसिंग टेबल तो अलग है क्योंकि हम ब्लॉगर के पास बहुत मेकअप होता है, बहुत ज़्यादा। बाकी चाहे मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ, फिर भी स्टिल मेरे पास बहुत मेकअप है जो कि मैंने खुद के पैसों से परचेज किया है। मेकअप के लिए स्पॉन्सरशिप्स बहुत कम आती है, बहुत रेयर आती है जब तक कि आप हाई एंड ब्लॉगर नहीं होते। मेरे पास जो है बहुत लिमिटेड सामान है जो मैंने खुद के अपने पैसों से मंगाया है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मेकअप खरीदना, तो इसीलिए बस। बाकी स्किन केयर मेरे पास बहुत आता है, स्किन केयर के लिए कोलाब्रेशन आती हैं जो मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट रिव्यू शेयर भी करती हूँ। तो अभी यहाँ पर ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सारा मेरा कॉन्टोर किट और मेरे आई शेडो पैलेट्स, मेरे फेक आई लैशेस इसी में मैं रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अभी अगर लॉकडाउन खुलेगा ना, मैं एक बॉक्स ऐसा और मंगाऊँगी और थोड़ा सा और कलर में मंगाऊँगी। तो अभी क्लीनिंग चालू है और क्लीनिंग करने में बहुत टाइम जाता है यार, आप लोग देखते ही हो क्लीनिंग वीडियोज़। देखो इतनी देर से लगी हुई हूँ, स्टिल इतना सारा काम बाकी है। अभी तो जो मैंने लुक बुक्स की हैं, बाय द वे अगर आपने अभी तक लुक बुक नहीं देखी है कि पुराने कपड़ों को आप किस तरीके से रियूज़ कर सकते हैं या आप स्कर्ट और क्रॉप टॉप को किस तरीके से मल्टीपल वेज में पहन सकते हैं, वो दोनों वीडियोस मेरे दूसरे चैनल प्रिया मेकअप चैनल पर है। वहाँ पर मैं 2 मिनट स्टाइलिंग टिप्स भी कर रही हूँ, वहाँ पर मैं मेकअप वीडियोज़ भी डालती हूँ जो कि फुल मेकअप होता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को फैशन टिप्स और पुराने कपड़ों को किस तरीके से आप रियूज़ कर सकते हैं वो वीडियोस भी वहाँ पर मैं डाल रही हूँ। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है प्रिया मेकअप चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ों का मिल जाएगा। अभी आजकल मैं टिकटॉक पे भी हूँ, तो टिकटॉक पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मतलब डबिंग नहीं बोल रही हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो वहाँ पर भी चेकआउट कीजिए, वहाँ पर भी मैं हेयर स्टाइल, स्टाइलिंग टिप्स और इसके साथ साथ कुकिंग वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस टिकटॉक पर मैं शेयर करती हूँ। ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिएगा टिकटॉक को, और टिकटॉक चैनल का नाम है मिसेस अरोड़ा 4। तो यह स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चेकआउट कीजिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, थोड़ा सा और मुझे जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं स्टोरीज में बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ब्लॉगिंग मैं रेगुलरली नहीं करती हूँ, तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये ब्लैक कुर्ती है ना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरा ये इस ईयर का बेस्ट ड्रेस है, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है इसके साथ कि मैं और भी कुर्तीज लूँगी। हाँ अप्रोक्स 1 घंटा लगा था मुझे क्लीनिंग करने में, और उसके बाद मैंने अभी लिया है शार, और क्योंकि मेरा मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। और डिनर में आज बनने वाला है स्नैक्स, स्नैक्स में मतलब बेसिकली
चाउमिन बनाने वाली हूँ मैं, तो अभी वही बनाती हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ मेरा पिंपल हो गया है। सो गाइस, ये हो गया हमारा डिनर रेडी। तो आई होप आपने ये ब्लॉग इंजॉय किया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।